फिर ओपन कर लेते हैं वाइट स्टूडियो, और वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद आपका वीडियो में जो भी कॉपीराइट है आप उस वीडियो को निकाल दीजिए कंटेंट की ऑप्शन में जा करके। तो मेरा जो वीडियो है यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीराइट, तो हम इसे रिमूव करेंगे वाइट स्टूडियो में ही जाकर अपने फ़ोन से। तो हम वीडियो पर क्लिक किया, तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉपीराइट पे लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर रिव्यू इशू पर क्लिक करना है आपको। आप जब रिव्यू इशू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपने सॉन्ग को कहाँ पे यूज़ किया है, कितने हिस्से में यूज़ किया है। तो आपका जो यहाँ पे सॉन्ग का लिखा है नाम, इस पर क्लिक करना है, स्वीप सब कुछ लिखा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा तो आपको इरेज सॉन्ग पे क्लिक करना है, क्योंकि आप अगर सिर्फ सॉन्ग को हटाना चाहते हैं तो इरेज सॉन्ग पर क्लिक करें। तो इरेज सॉन्ग पर क्लिक किया हमने, और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको सिर्फ सॉन्ग को हटाना है या पूरा वीडियो का जो साउंड है उसको हटाना है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ सॉन्ग को हटाएंगे, तो यहाँ पे टिक ओके है इरेज सॉन्ग, तो आपको यहाँ पे टिक रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव की ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप जब सेव की ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपने जो वीडियो में अपने सॉन्ग को यूज किया था वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगा, इरेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, फटाफट होता नहीं है, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, जितना भी टाइम लगे, आधा घंटा भी लग सकता है अगर आपका सॉन्ग लंबा है तो उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो सॉन्ग है इरेज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपका ये जब काम पूरा हो जाएगा या तो बीच बीच में नोटिफिकेशन आते रहता है, तो आप ऊपर से स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं कि आपका जो काम है कितना से कितना तक हो गया, तो हम इसे देखेंगे। पर इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तक मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, तो इसी तरह से आते रहेगा नोटिफिकेशन, और जब सारा काम हो जाएगा तो सक्सेसफुली हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो आपका जो कॉपीराइट था वो पूरी तरह से हट जाएगा। तो इस तरह से आप वाई टी स्टूडियो का यूज करके आपका वीडियो में जो कॉपीराइट आया है आप उसे हटा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और